चाहती है कि वो अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे से पूरी तौर हटाए, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो पहाड़ी जिला शोपियान है इसमें बहुत बर्फबारी हुई और इस दौरान हमारी जो म्यूनिसिपल कमेटी है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, इन्होंने मतलब दिन रात काम करके लोगों को कुछ राहत पहुंचाई और इसमें एक बार आज भी ये लोग काम कर रहे हैं, टायरलेसली दे आर वर्किंग। मगर बदकिस्मती की ये बात है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है। खासकर जो हमारा टाउन था, टाउन में मतलब लिफ्टिंग भी हुई है स्नो की और हम ये उम्मीद करते हैं गवर्नर इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि पहाड़ी ज़िला को मद्देनज़र रख कर, क्योंकि यहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छे अच्छे मशीनें यहाँ लाई जाए, जदीद टेक्नोलॉजी के और मैन पावर भी बढ़ाया जाए, तब ही हम आगे आगे तो हम राहत का सांस ले सकते। बर्फबारी हुई इसे आपके जो एलजी साहब है उसने भी इसे कुदरती आफत करार दिया, इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। शुरू में म्यूनसिपल कमेटी को भी काफ़ी हद तक परेशानी हुई बर्फ़ उठाने में, लिफ्टिंग करने में, क्योंकि इनके पास वो वसाइल भी नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक ये भी कामयाब हुए। उन्होंने भी करोड़ों से रोड साफ किए यहाँ से, उन्होंने कुछ मैकेनिकल को भी सपोर्ट दिया और आरएनबी को भी सपोर्ट किया। लगभग 10 दिन हुए बर्फबारी को, अभी भी लगे हुए हैं काम में, ये गोली कुछ को साफ कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं। हमें लगता है कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम बाकी लोगों से भी अपील करें कि वो अपनी गाड़ियां घर में रखें, अननेसेसरी यहाँ नहीं आए जब तक रोड क्लियर न हो। 3 दहाइयों से यहाँ इनके पास वसाइल नहीं है, कटर नहीं है, दूसरे जो बीसी भी है वो नहीं है, इनके पास भी वो वसाइल नहीं है जिनसे बर्फबारी में तेजी से काम करे। हम हायर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनको वो कटर प्रोवाइड करें ताकि आवाम को और मजीद मुश्किलात में मुबतला ना करे। बर्फबारी पे शीन वारिया पे बहरहाल अस मशीनरी ती कट आसे मेन पावर ती लोग आसे अमे मजीद अम जन हायरस पे कर लेबर ती तो इन एमरजेंसी उस चाहे हस्पताल उस पीएचई उस एमरजेंसी डिपार्टमेंट उस तम कर फौरन रेस्टोर। मेहरबानी कर दुकानदार भाई चुस अपील कर अत मे करू छेड़ छाड़ कहें अस दिए काम असल तरीके मज कर तुंद खुद कर ताकि लकन वा सहूलियत अस मे करू छेड़ छाड़ कहें लिहाजा कर गाड़ी वाले अपील कर खामा खा बाजरस फेरन जो डिजास्टर था उसके बावजूद म्यूनसिपल ने रात दिन काम किया। हमारा बेसिकली वजह ये काम था कि हम गलियों से निकाले लोगों को बाहर निकाले। एक्चुअली जो होता है आरएनबी का काम होता है, मैकेनिकल का काम होता है मेन रोड साफ करना। मेन रोड तभी फंक्शनल होगा जब गली साफ होगी। जब मेन रोड ही नहीं साफ था तो गली का कोई वजूद ही नहीं था। कि हमारे पास अभी इतने एवेन्यूज नहीं है, हम वही 40 साल पुराने हैं, वही बिलचू से बर्फ उठा रहे हैं। क्या पता वो गवर्नमेंट की कमजोरी है, म्यूनसिपलिटी की कमजोरी, एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि हमारे पास इतने एवेन्यूज है नहीं, पैसा उतना है नहीं म्यूनसिपलिटी के पास। म्यूनसिपलिटी शाना बाशाना 24 घंटे काम करेगी, उसमें कोई नहीं है। जितने हमारे स्टाफ मेंबर हैं वो रात भर इधर ही बैठे रहे, हमारे जितने भी स्वीपर्स हैं हमने एंगेज किए और लेबर किए एंगेज 30-35 वो भी उठा रहे। 2-4 दिन में हो जाएगा क्लियर, दिन ब दिन होता है क्लियर। हमारे पास इस वक्त 270 या लेनर्स है, उसमें हमने आज के डेट अभी तक हमने 170 किए हैं।